खबर ये नहीं है कि मोदी जी ने झूठ बोला, एक ही मिनट में तीन तीन झूठ बोल दिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में, कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में, देश के मुसलमानों के बारे में, इसमें नई बात क्या है? खबर ये भी नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने सैकड़ों साल से इस देश में बसी 20 करोड़ लोगों के एक समुदाय को घुसपैठिया कह दिया। क्या नहीं कह सकते ये? खबर ये है कि पहले चरण के मतदान में बीजेपी समर्थक वोट देने नहीं आए। खबर ये है कि आरएसएस और बीजेपी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। खबर ये भी है कि ये भाषण तो सिर्फ झांकी है, आने वाले हफ्तों में बहुत कुछ और होना बाकी है। अब आपको तय करना है, क्या आप ऐसे लोगों को देश में सत्ता देना चाहते हैं? ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जो अपनी राजनीतिक सत्ता की रोटी सेंकने के लिए घर में आग लगा सकता है? आपकी खबर क्या है?